रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज रात 12 बजे के बाद इस राशि वालों के घर पधारेंगी माता लक्ष्मी, लुटेगा कुबेर का खजाना। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की रात एक चमत्कारिक रात रहने वाली है और ग्रह नक्षत्रों की युति इसे और भी ज़्यादा खास बना रही है। आपको बता दें कि इस बार 127 साल में यह पहला मौका है जब दीपावली पर नीच भंग राजयोग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इस रात चतुर्ग्रही योग भी बनने जा रहा है। दीपावली पर गोचर में सूर्य चंद्र के साथ मंगल और बुध तुला राशि में लग्नस्थ रहेंगे और दोस्तों तुला शुक्र प्रधान राशि है और शुक्र को धन संपत्ति व वैभव का कारक माना गया है। ऐसे में ज्योतिष के ज्ञाताओं के अनुसार इस दीपावली शुभ योगों के संयोग में माता महालक्ष्मी के आवाहन से वैभव समृद्धि में वृद्धि होगी, जिससे कि अब कुछ विशेष राशि वालों को खूब सारा धन लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की रात साल के सबसे बड़े त्यौहार यानी दीपावली की शुभ रात्रि है और दोस्तों इसी दिन भौमवती अमावस्या का शुभ संयोग भी बन रहा है। और दोस्तों ऐसे में आज रात 12 बजे के बाद ग्रह नक्षत्र और गोचर की स्थिति में ऐसे बड़े चमत्कार होने वाले हैं, जिससे कि ऐसी कुछ राशियां हैं जिनका अब नसीब बदलने वाला है। जी हाँ, इन राशि वाले लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि होने वाली है, जिससे कि अब इन्हें अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा। दोस्तों, तो आखिर ये राशि कौन सी है ये जानने के लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी भी ज़रूर लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब इन राशि वाले लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने वाली है और आपको बता दें कि अब आपकी कड़ी मेहनत का लाभ आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला समय आपको अपने कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में अपार सफलता दिलाने वाला रहेगा। इन राशि वालों की अब सारी कठिनाइयां दूर होंगी और इनका भाग्योदय होगा। माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा से ये राशि वाले लोग अब दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने वाली हैं। दोस्तों, बता दें कि सबसे पहली जो राशि है वह है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस राशि के लोगों के लिए ये संयोग धन लाभ लेकर आएगा। बता दें कि दीपावली के बाद से इन पर माता लक्ष्मी की कृपा धन के रूप में बरसेगी। यदि अभी तक आपके सभी काम बिगड़ रहे थे तो ये वक्त खुशियाँ मनाने का है, क्योंकि दोस्तों महालक्ष्मी की कृपा से आपके अब सारे काम बनेंगे। दोस्तों, बता दें कि अगली जो राशि है वह है तुला राशि। बताना चाहेंगे कि इस दौरान आप नौकरी या व्यापार किसी भी क्षेत्र में हो, आपको धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। जी हाँ, इस राशि के कई लोगों को इस दौरान नई नौकरी मिलने के योग हैं। सेहत संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी में आपको इस दौरान राहत मिल सकती है। आप लोगों का अटका हुआ पैसा वापस आपको प्राप्त हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध इस दौरान मधुर रहेंगे। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस राशि के लोगों के जीवन में अब कई बदलाव आने वाले हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस राशि के लोगों के ऊपर शुक्र देव की कृपा रहेगी, जो कि धन विलासिता और रोमांस के कारक हैं। यानी कि इस महासंयोग के बाद इस राशि के लोगों को ये तीनों ही चीज़ें प्राप्त होने के योग बन रही हैं। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। बताना चाहेंगे
कि आपको अब अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यदि किसी की नौकरी छूटी हुई है या नहीं मिल रही है तो उसे इस दौरान नौकरी भी आसानी से मिल सकती है। बता दें कि ग्रहों के शुभ प्रभाव से आपको तरक्की मिलेगी, मानसिक तनाव आपका दूर होगा, आय बढ़ने के योग बन रहे हैं। इस दौरान शहर से बाहर की यात्रा का भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। बताना चाहेंगे कि इस राशि के लोगों को इस महासंयोग के बनने के बाद बहुत जल्द कोई बड़ी खुशखबरी मिलने के योग हैं। व्यापारी अपने व्यापार में इस दौरान विस्तार करेंगे जिससे उन्हें काफ़ी लाभ हो सकता है। व्यापार में आपको नए अवसर मिलेंगे, अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। इस राशि के लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा जिसका इन्हें भविष्य में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है मकर राशि। बताना चाहेंगे कि अगले 6 महीने इस राशि के लोगों को अत्यधिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। जी हाँ, यदि सही दिशा में निवेश आप करेंगे तो आपके करोड़पति बनने के भी योग बन रहे हैं। यदि आप कोई नई वस्तु खरीदने का मन बना रही हैं तो ये सही समय है, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए आने वाले 6 महीने बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है कुंभ राशि। बताना चाहेंगे कि कुंभ राशि पर भी महालक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। यदि आप अपने रोजगार या धन को लेकर कोई प्लानिंग कर रही हैं तो ये बिल्कुल सही वक्त है। इस समय आपके सारे काम सफल होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आपने कोई भी ऐसे गलत फैसले लिए थे जिससे आपको अत्यधिक हानि हुई हो तो इस समय में आपकी उस सारी हानि की भरपाई हो जाएगी। यदि आप व्यापारी हैं तो नया व्यापार करने का भी आपका योग बन रहा है। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है वृषभ राशि। बताना चाहेंगे कि इस दौरान नए रोजगार आपको मिलेंगे जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में डर रही हैं तो घबराइए नहीं, सोच समझ कर लिए गए फैसले से आपको धन लाभ ही होगा। यदि आपका कोर्ट या कचहरी में कोई केस चल रहा है तो ये समय आपको जीत दिलवा सकता है। इस वक्त आप अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अंतिम राशि है धनु राशि। बताना चाहेंगे कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके जीवन में धन दस्तक देगा। यदि आप अविवाहित हैं तो इस समय में आपकी शादी तय हो सकती है। इस राशि के लोगों के पूरे परिवार पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। किसी धार्मिक स्थान पर आप जा सकते हैं। इन 6 महीनों में यदि आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रही हैं तो बिना देरी किए उसे आप शुरू कर सकते हैं, इससे आपको धन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।